कृष्णा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में तब से सियासी बवाल मचा हुआ है जब से जातिगत जनगणना को लेकर के जो रिपोर्ट जो है साझा की गई 2 अक्टूबर को, और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन नेता जो हैं वो इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मांग। दरअसल इस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय होने की कोशिश इसलिए भी कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बिहार की जनता ने भाजपा को इनाम दिया था, भाजपा को जो 39 सीटों पर जीत दिलवाई थी, वो दरअसल भाजपा अब तक याद रखी। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि बिहार का जो सियासी गणित है वो बदल चुका है, क्योंकि वहाँ पर नीतीश कुमार वो जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं, महागठबंधन जो बिहार में बना था उसका हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि बिहार में जातिगत राजनीति जितनी हावी है उसमें सेंधमारी करना, उसमें सीटें निकालना, ये एक तरीके से बड़ा ही जो है संभव सा लग रहा है। और यही वजह है कि जातिगत जनगणना को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर कई बार हमले बोले, और एक बार उन्होंने याद कह दिया नीतीश कुमार पर, उन्होंने कई बार अशोभनीय टिप्पणी भी की, और जिसके बाद जेडीयू की तरफ से भी उन पर प्लेटफार्म किया गया। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है, आगे किस तरीके से पूरा मामला बढ़ सकता है, इस पर आइए आपको एक जो बयान आया खास तौर से जो सम्राट चौधरी का वो सुनवाते। नीतीश कुमार की सरकार यदि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे जमानत जब्त हो जाएगा। और जो नेता ये बोल रहे थे ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिमान है पदाधिकारी, उनको राजनीतिक हैसियत औकात है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करा के देख लो, जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त। तो आपने सुना दर्शकों के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लेकिन उनके निशाने पर आप देखिए कि कभी कभी आपको लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव यानी कि यादव कुम्मा कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा उनके निशानों पर रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के वो साफ तौर पर यहाँ पर जो है कई तरीके से गंभीर आरोप लगाते नजर आते हैं, और जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि अब जो लोकसभा के चुनाव होने हैं आने वाले 7-8-10 महीनों के बाद, दरअसल उसमें महागठबंधन को ये साबित करना है कि वो क्या वाकई अपने बलबूते पर क्षेत्रीय दल होने के नाते चुनाव जीत सकते हैं नीतीश कुमार, या फिर भारतीय जनता पार्टी का सहारा उन्हें लेना ही पड़ता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहने बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।